सलाम वालेकुम दोस्तों। तो एक जो है लेटेस्ट अपडेट है इंटरनेशनल फ्लाइट के हवाले से, यानी सऊदी अरब जो है 7 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक जो है रियाद से दुबई के लिए फ़्लाइट चला रहा है। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के लिए मेरे पास कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट के हवाले से। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं यहीं पे और अपना कीमती वक्त को बचा सकते हैं। मगर इस वीडियो में कुछ देखिए ऐसी जानकारी है जिससे लग रहा है कि सऊदी अरब जो है बहुत जल्दी इन कंट्रियों के लिए भी नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट खोलने वाला है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर पूरी खबर दिखा देता हूँ। तो ये जो है ट्विटर अकाउंट है फ्लाइनास का, और फ्लाइनास ने जो है यहाँ पर ट्वीट करके बताया है कि स्पेशल ट्रिप्स फ्रॉम फ्लाइनास एयरलाइंस बिटवीन रियाद एंड दुबई फॉर द पीरियड बिटवीन 7 to 14 सितंबर। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि स्पेशल ट्रिप जो है चलाई जा रही है 7 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक रियाद से दुबई के लिए और दुबई से रियाद के लिए। और इसमें जो है पूरी मैं आपको जानकारी दूंगा। इसमें कुछ गैर मुल्की भी हैं जो दुबई से आ सकते हैं यहाँ पे। देखिए, पूरी जानकारी उन्होंने दी है अपनी जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है फ्लाइनास की, और आप यहाँ पे जो है जाके चेक भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ट्रेवलर्स फ्लाइट्स टू सऊदी अरबिया। तो यहाँ पे देखिए, ऑल सऊदी सिटीजन एंड देयर कंपेनियंस आर अलाउड टू रिटर्न। तो यहाँ पे जो है बताया गया है पहले वाले में कि जो सऊदी शहरी हैं और उनके जो साथी हैं वो लोग आ सकते हैं सऊदी अरब के अंदर। और दूसरे वाले में यहाँ पे बताया गया है कि जो गैर मुल्की हैं, अदर नेशनलिटी के लोग हैं, अगर वो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं या एजुकेशनल स्टाफ में काम करते हैं या टीचर हैं, तो वो लोग यानी गैर मुल्की जो हैं वो भी आ सकते हैं सऊदी अरब के अंदर। फ्लाइट्स टू अदर कंट्रीज और नॉन सऊदी आर अलाउड टू ट्रेवल आउटसाइड द किंगडम। और जो गैर मुल्की हैं वो भी इसका टिकट जो है बुक कर सकते हैं फ्लाइनास का सऊदी अरब से बाहर जाने के लिए। इसके अलावा जो है यहाँ पे कुछ ट्रेवल कंडीशन बताई गई हैं। तो पहले वाले में जो है ये बताया गया है कि आपका जो बोर्डिंग पास है उसको जो है इशू किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली जो है उसको इशू किया जाएगा। और दूसरे वाले में ये बताया गया है कि आपको जो है मास्क लगाना पड़ेगा अपने चेहरे पे, यानी जहाँ से आप जो है अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं और जहाँ तक आपको जाना है, जो आपकी लास्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ तक आपको अपने चेहरे पर मास्क लगाना होगा। और तीसरे वाले में ये बताया गया है कि जो पैसेंजर जो है जाएंगे वो सिर्फ अपने हाथ में जो है 7 kg का जो है मैक्सिमम बैग लेके जाएंगे। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा लगेज नहीं होगा। और इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि अगर किसी पैसेंजर का जो दर्जा हरारत है यानी जो बॉडी टेम्परेचर है अगर 38 डिग्री होता है तो उसको जो है ऐसी सूरत में सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और जो वो टिकट खरीदेंगे वो जो है क्रेडिट वैल्यू की तरह उनके पास रहेगा, जो 1 साल की उसके अंदर वैलिडिटी होगी, यानी 1 साल में जो है उसको वो दोबारा से उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ बताया गया है कि जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 15 साल से कम है उनको भी जो है परमिशन नहीं है सफ़र करने की। और इसके अलावा जो है कुछ एग्रीमेंट पे आपको साइन करना होगा जो कि हेल्थ के बारे में होगा आपके। और देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि इंटरनेशनल ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, द यूनाइटेड अरब अमीरात, कुवैत, लेबनान, सूडान, इजिप्ट। देखिए, यहाँ पे ये बताया गया है कि जिन लोगों को जो है परमिशन मिलेगी या जिनके पास परमिट होगा यहाँ पे आने के लिए, तो वही लोग जो है यहाँ पे आ सकते हैं। तो देखिए, इन सब न्यूज़ से जो है लगता है जैसे धीरे धीरे सऊदी अरब जो है, अब पहले उसने ज़मीनी रास्ते जो है खोल दिए हैं, और जो सऊदी हैं और जो उनके जो है डोमेस्टिक वर्कर हैं गैर मुल्की हैं वो भी अब ज़मीनी रास्तों से जो है सऊदी अरब के अंदर आ रहे हैं। उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है बनाए गए हैं। और अब जो है देखिए, 1 हफ्ते के लिए जो है रियाद से दुबई के लिए फ़्लाइट जो है शुरू की गई है, और वहाँ से जो है उन यानी टीचर हैं या हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई काम करते हैं जो गैर मुल्की हैं उनको भी यहाँ पे आने की इजाज़त मिल रही है। तो इंशाल्लाह इन सब न्यूज़ से जो है लगता है कि बहुत ही जल्द नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट खुल जाएगी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के लिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।